माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, ये सारी कलेक्शन जो हमारे पास है ना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसको हम कहते हैं इंटीजर। इसमें वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये जो नंबर्स हैं ना, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर वाले जो होंगे, वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। कौन से होंगे? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होंगे जो चीज़ आपके पास आ रही है, जो आपके पास है, वो आपके पॉजिटिव में आएगी। और जो चीज़ आपसे जा रही है, मतलब आप खर्च कर रहे हो, आपसे मतलब जा रही है, वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स में आएगी। ठीक है, अब इसमें ज़ीरो आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव है। ज़ीरो आपका ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना एक आसान तरीके से समझते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाई है, हम उसके ज़रिए समझेंगे कि इंटीजर्स कहते किसको हैं। ठीक है।